के सजना राजा राय सिंह ने अपनी प्रजा का भाग्य जानने के लिए सबसे ये पूछा कि भाई कौन इंसान है, किसके भाग्य से खाता है, मेरे भाग्य से या अपने भाग्य से। सजनों ये बताते हैं, जिससे भी पूछा उसने ये कहा कि महाराज हम तो आपके भाग्य से खाते हैं, आप हमारे राजा हैं, आप ही हमारे दाता हैं। लेकिन ये बताते हैं कि राजा राय सिंह की लड़की थी बीना, जिसने ये कह दिया कि पिताजी मैं सिर्फ अपने भाग्य से खाती हूं। सजनों यही देखना, इस भजन में दादा ने भाग्य का रोड़ा बताया है। जब बीना ने कहा कि मैं अपने भाग्य का खाती हूं, राजा ने गुस्सा आया और उस गुस्से में उसकी शादी एक निर्धन लकड़हारे के साथ कर देते हैं। जब लकड़हारे के साथ में शादी होगी, वहीं से वो भाग्य का खोलना चालू होता है उस बिन्ना का। उस बिन्ना ने जब नुबेरा पट्या अकियो लकड़हारा, ये चंदन की लाकड़ी रोजाना लेकर उस लाला जी का घरा गेरे है और दो रोटी लेकर आवे है। दो चार दिन दोनों ने दो रोटियां में गुजारा कराया, लेकिन बिन्ना के दिमाग ने काम कराया। हे पियाजी, आप मेरे को उस लाला जी के पास में लेकर चलिए। क्यों? क्यों मैं आपका हिसाब करवाऊंगी? अक मेरा क्या का हिसाब, मेरा तो रोज हो जाए है, लकड़िया का बरोटा गेर दू, दो रोटी वो दे दे, इसका और के हिसाब होया करे। जो कह लगी मैं बताऊंगी इसका आगे के हिसाब होया करे। सजनो मर्दाना बेजदार के वह बिना उस लाला जी से लकड़ियों का सौदा करने के लिए पहुंचती है, और जब उनकी कीमत तय हुई तो वहीं पे वो मर्दाना भेज तार दिया और न्यू कहने लगी, लाला जी मैं कोई, जो आप मुझे समझ रहे हैं, कोई सौदागर नहीं, मैं इस लकड़हारे की धर्म पत्नी हूं। और जिस भाव से इन लकड़ियों का सौदा तय हुआ है, जिस दिन से ये लकड़हारा लकड़ी आपके घर लेकर आवा है, उस दिन से लेकर आज तक इसका हिसाब कर दीजिए। पंचायत इकट्ठी कर ली, लाला फंस गया, जितने दोहरे थे उतने दे दिए, जो रह गए उनकी यहां भर ली, और लेकर उस धन माया ने वो लकड़ारा और बिना चाल पड़े। वो लकड़ारा उसके मुंह के अंदर खा क्या मत टप टप पानी पड़े, न्यूकल आ गया बिना या किसी कहानी बनी, इस बात का तो मनाज थी बेराय नहीं था। न्यूकल आ गई, पियाजी ये किस्मत है, मेरे पिता ने मेरा भाग्य देखने के लिए मुझे आपको निर्धन समझकर आपके साथ में शादी कर दी, लेकिन ये मेरा भाग्य है। माता और पिता सिर्फ जन्म देने के हुआ करें, कर्मा के साथ ही नहीं। किस तरह से एक बात के द्वारा बिना क्या कहती है, किस तरह से लकड़ारे को केकण वागे, क्या बताया वाला। हो जन्म देने के यत्न कर के साथी और सतगुरु ज्ञान विचार बिना पड़ता नहीं है पानी।
के साथी सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बढ़ता नहीं है माती। एक तो सतगुरु इंसान का इमाती होया करे, एक उसके अंदर का ज्ञान उसका सच्चा इमाती होया करे, और एक तो इंसान सच्चे विचार सच्ची सोच रखे वह उसकी साथी होया करे। न्यूक लगी कि अगर मेरे पिताजी मेरे को धन दौलत दे भी देते तो उसने कुछ नहीं होना था, वो उनकी मान बढ़ाई थी, जब मेरे कर्म में सुख भोगना ना हो तो वो दिया और भी वापस हो जा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया, ये मेरे कर्मों से मुझे मिला। और किस तरह से नंबर एक पर केक लगी बिना होगा लक्ष्मीचंद ने एक ऐसा प्रयास किया है समाज को समझाने का। यहाँ पर सभी गृहस्थी बैठे हैं, हमारी माताएं हैं वो भी मेरी आवाज को सुन रही हैं। एक लाइन कवि ने ऐसी लिख दी कि मानस न्यू का नाम टोटा आ गया, न्यू देखियो टोटा क्यों पूरा आकर है, और टोटा आ जा तो मानस ने क्या करना चाहिए, कैसे नंबर दो जाते चाहिए वीर ने पत्थर के
मास्टर माईचंद जी इस भजन पर खुश होकर स्वर से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं YouTube चैनल पी मलिक स्वर से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। भाई साहब का बार बार तहे दिल से धन्यवाद है। और सुनो नंबर तीन पे वह बिना कहने लगी लकड़ा रहते के पियाजी जय कहानी ना बनती इस बात का मन ना बेरा पटता तो मैंने तो अपनी पूरी हिम्मत कर रखी थी के इब तो पूरा जीवन इस लकड़ारे के साथ में सिर्फ लकड़ी ढोके ही अपना गुजारा करना है। लेकिन ये भाग्य है किस तरह से नंबर तीन का बिना के कहने लगी बता सचिव आदरणीय प्रेम कुंडू जी सौ रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बार बार तहे दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद। और सजना जैसा कि इस रागनी की इस भजन की टेक में ही कहा है कि सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं भती। सतगुरु का जिक्रा किया है कवि ने, दादा लक्ष्मी चंद ने अपने गुरु मानसिंह को भगवान समझकर पूजा और अपने जीवन का हाल लिखा कि बचपन में ही मैंने सारा दुख अपने गुरु के आकर हो दिया और जब जाकर मेरे बात खुले। कैसे क्या लिखा नंबर चार बता दो बोला छोली से बलराज सरपंच साहब सौ रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद।